राहुल रिफॉर्म योजना के तहत भारत जोड़ो यात्रा अब रंग दिखाने लगा है। सोनिया के किचन कैबिनेट के सदस्य रहे योगेंद्र यादव की तैयारी अब रंग दिखाने लगी है। क्या पीके के साथ योगेंद्र यादव ने बड़ा प्लान तैयार किया है? 2024 के कुछ टूल किट्स के साथ और साथ में यह भय दिखाते हुए कि यदि नहीं जगे, नहीं सुधरे तो 2024 के बाद बर्बाद हो जाओगे। धीरे धीरे ये रंग अब दिखने लगा है कि प्रशांत किशोर जो अरविंद केजरीवाल की तरह बिहार में एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस की जमीन तैयार कर रहे हैं और उसके साथ होंगे एनडीटीवी से खलियर हुए रवीश कुमार। दक्षिण से शुरू करें तो ये यात्रा दक्षिण से शुरू हुई और राहुल गांधी लगातार उत्तर भारतीयों के राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल उठाते रहे। जब केरल से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई तो केरल के चीफ मिनिस्टर वामपंथी विजयन बेचैन होने लगे थे और उन्होंने अलग अलग ट्वीट करके यह कहना शुरू किया कि चुनाव गुजरात में है, लड़ाई यूपी में होनी चाहिए, लेकिन हिमाचल और गुजरात के साथ यूपी से राहुल गायब हैं। दरअसल राहुल के लिए तैयारी योगेंद्र यादव उत्तर भारत में अलग तरीके से कर रहे थे, ये अब साफ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकार ये कह सकते हैं कि योगेंद्र यादव की हैसियत क्या है। योगेंद्र यादव ने तो दिल्ली में भी केजरी के साथ एक जमीनी आंदोलन तैयार किया था। योगेंद्र यादव ने भी तो स्वराज पार्टी बनाई थी। योगेंद्र यादव की औकात और हैसियत पता चल गई, लेकिन पर्दे के पीछे छुपे सियारों का खेल बड़ा रोचक होता है। ये दिखाई देने लगा कि भारत जोड़ो यात्रा के स्क्रिप्ट राइटर योगेंद्र यादव कैसे हैं। राहुल जब केरल से यात्रा शुरू कर रहे थे तो कन्याकुमारी में, उससे पहले रामेश्वरम और कन्याकुमारी में योगेंद्र यादव जमीन तैयार करते हुए दिख रहे थे। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल से यात्रा करते राहुल उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे और योगेंद्र यादव उसमें प्रशांत भूषणों को शामिल कर रहे थे। तब तक ये लग रहा था कि दक्षिण में कांग्रेस की कमजोर कड़ी को योगेंद्र यादव जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस योगेंद्र यादव का कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को साइड करके असली चाणक्य योगेंद्र बन रहे थे। अंदर खाने अब साफ दिखने लगा है कि जेम्स राय के चैनल से बाहर निकलकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले रवीश कुमार एक समुदाय विशेष के वोट के महारथी माने जाने लगे हैं। रवीश कुमार के पीछे एक समुदाय विशेष के लोग आंख मूंद कर खड़े हैं। वो बिहार के हैं, इसीलिए रवीश ने यूट्यूब पे आने के बाद भी यूट्यूब के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह नहीं दिखाया है, लगाव नहीं दिखाया है, जबकि लाखों लाख सब्सक्राइबर उनके रातों रात बढ़ा दिए गए। जी बढ़ा दिए गए। ये कैसे होता है यह खेल कि 30-35 लाख कुछ रातों में बढ़ गए सब्सक्राइबर, फिर भी रवीश को यूट्यूब से में मज़ा नहीं आ रहा। वो भोजपुरी चैनल शुरू कर रहे हैं और भोजपुर की बात कर रहे हैं। बीच में कहीं सुननी जरूर भोजपुरियों में काम करेगा। हाँ, भोजपुरी देखिए, हम हमेशा ये बात के कहले रही कि कहले बानी कि भोजपुरी ही हमार मातृभाषा जी, हिंदी नहीं। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, हिंदी बोलते हुए भी बोलता हूँ कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। अलग अलग टीवी चैनलों पे रवीश कुमार को भेजा गया, टीवी चैनल नहीं, ये टूल किट्स टाइप के कुछ वेबसाइट्सों पे भी नजर आने लगे, वो BBC पे जाने लगे, अजीत अंजुम के पास जाने लगे। और जरा सुनिए बारी बारी से कि रवीश क्या क्या कहते रहे। लेकिन रवीश, आपने अभी बहुत सारे ऑप्शंस की बात की कि अभी जब खाली रहते हैं तो आपको कभी धरना प्रदर्शन में बुला लिया जाता है, कोई बुक लॉन्च में बुला लेता है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे, और ये सिर्फ अटकलन ही है, उसको मैं बस खाली क्लैरिफाई कर रही हूँ, कि क्या राजनीति में जाने का भी मन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बीच में कहने लगे थे कि शायद रवीश कांग्रेस ज्वाइन कर ले,
तो क्या ये सही बात है? आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की बता देते हैं, आज से नहीं, 15 साल से लोग मुझे राजनीति की तरफ धकेलना चाहते हैं, आज से नहीं, बहुत सारे, बहुत कई बार गंभीर तरीके से आ जाते हैं, नहीं नहीं कब तक करोगे तुम राजनीति में, आ जाओ। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग राजनीति में आए, और मैं अगर जाऊं तो वो गलत बात नहीं है, जाना चाहिए हर किसी को राजनीति में, बहुत सारे पहले भी पत्रकार जाते रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूं इसमें अभी कुछ और सीखने और साधने की जरूरत है, तब जाना चाहिए जब अंदर से आपको लगे कि हाँ आपको ये काम करना है। जी, रवीश कुमार राजनीति माने की महत्वाकांक्षा जता रहे हैं, इसीलिए वो भोजपुरी की बात कर रहे हैं। तो इसकी संभावना है कि वो उत्तर बिहार के किसी क्षेत्र से, या तो अपने भोजपुर क्षेत्र से, या मुस्लिम बहुत इलाके पूर्वी बिहार के किशनगंज अररिया जैसे इलाकों से वो अपना दांव लगा सकते हैं। और ये जिम्मेदारी, क्योंकि कांग्रेस में बिहार में कोई बड़ा नेता नहीं है, नाम नहीं है, तो ये जिम्मेदारी रवीश कुमार को मिल सकती है। और इसके साथ साथ प्रशांत किशोर कांग्रेस की जमीन तैयार करते नजर आ रहे हैं। ये भय लालू और नीतीश को दिखा करके कि यदि नहीं जुटे, यदि पुत्र मोह में रहे लालू यादव, तो बिहार में सत्ता मुश्किल है, और यदि विपक्ष में रहे तो जेल जाना तय है। लालू को ये भय नीतीश के मार्फत दिखाया जा रहा है। और यूं ही नहीं, जिस नीतीश कुमार को गुमान था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने पलटी फिर मार ली है और कह दिया है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो राहुल गांधी ही हैं। तो रातों रात ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव रवीश कुमार की एंट्री कराकर, प्रशांत कुमार किशोर की बिहार में एंट्री कराकर तैयार की गई। तभी जिस भारत जोड़ो यात्रा की अहमियत मुलायम पुत्र नहीं दे रहे थे, सुनिए वो क्या कह रहे थे। ये यात्रा से है, हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला, हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अब पलटी मार गए हैं, कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा एक है और भारत जोड़ो यात्रा देश की बेहतरी के लिए है। ये बदलाव दिखाई दे रहा है, तब समझ में आता है कि 2024 का भय किस तरह से समाने लगा है। जो लोग राहुल को खारिज कर रहे थे, वो अब राहुल के साथ खड़े होने के लिए किस तरह से बेबस और बेचैन हैं। यही हाल संजय राउत का है। संजय राउत जेल से जमानत पे आने के बाद चापलूसी अमित शाह और मोदी की करने लगी, लेकिन घास किसी ने डाला नहीं। ये संकेत साफ होने लगा कि अमित शाह छोड़ते कहाँ हैं, तो संजय राउत फिर उसी राहुल गांधी की चापलूसी पे उतर आए। तो फिर दक्षिण से उत्तर तक का ये समीकरण आपको साफ दिख रहा होगा कि योगेंद्र यादव और पीके के साथ किस प्लान की खिचड़ी पक रही है। जो राहुल गांधी हाफ शर्ट में, हाफ बाजू की टी शर्ट में दिल्ली की करकराती ठंड में अपना खुद का मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे बोल करके। भाई मैं, मुझे बताओ एक बात, मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात, ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहाँ टी शर्ट में नहीं बैठा है? तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसा कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, बना दूंगा आपके लिए। शुक्रिया राहुल जी। बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं क्या बताऊं भाई, राज क्या है? गुरु जी ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है।
नो सप्लीमेंट्री प्लीज, हो गया? नहीं नहीं, कहने दीजिए कहने, न्यू ईयर्स, न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर्स डे. अब देखिए देखिए ना, अब देखिए मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होते नहीं, तो मैं उनके भी दो तीन क्वेश्चन सप्लीमेंट्रीज आपको दे देता हूँ. नहीं एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही अभी तक, और मैं पता नहीं मुझे लग नहीं रही है, मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा, बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है. उस राहुल के साथ ये गठजोड़ है ना चौंकाने वाला. कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन इस डर में खौफ दिख रहा है. ये जोर खौफ का है, अलग अलग विचारधाराओं का. एक दूसरे को पसंद ना करने वाले लोग फिर से 2024 में जुटने की तैयारी कर रहे हैं, और योगेंद्र यादव इस कड़ी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि किसी का किसी पर कोई भरोसा नहीं है. इसीलिए एक गैर राजनीतिक व्यक्ति प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो पर्दे के पीछे काम किया जा रहा है. तब कुछ ही महीनों में कैसे समीकरण बदल रहे हैं भय के मारे, यह साफ दिखाई दे रहा है. जो नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर के इस उम्मीद में कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े दांव खेल रहे थे, तिक्रम लगाने लगे जातिगत जनगणना का, और फिर उसी लालू प्रसाद यादव के कुनबे को डराने धमकाने लगे कि यदि सत्ता गई तो क्या होगा. ऐसे में नीतीश को ये लगने लगा था कि कहीं पीके के साथ उनका खेल न करवा दिया जाए. नीतीश कुमार का ये पलटना, नए सिरे से फिर पलटना रोमांचक है. अखिलेश यादव का पलटना, जो कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, हफ्ते भर में उसका पलट जाना, ये दिखाता है कि खौफ किस कदर है 2024 का. गुजरात के रिजल्ट ने उस खौफ को, उस भय को और बढ़ा दिया है. लेकिन जब योगी ऐसे बोल बोल देते हैं तो इन सब का खेल कर देते हैं. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम से, अपने कर्म योग से धर्म को जोड़ते हैं और धर्म से कर्म को, फिर तमाम शैतानी लकीर छोटी पड़ जाती है. ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए. जय हिंद, वंदे मातरम.